अयोध्या मध्ये श्री रामाच्या मूर्तीच्या प्राण प्रतिष्ठापनेसाठी अवघे काही दिवस उरलेले आहे आणि रामाच्या स्वागतासाठी या ठिकाणी महाराष्ट्रावरून भजनी मंडळ या ठिकाणी आलेले आहे. गाऊन दाखवा. जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, मेरे राम जानकी बैठे मेरे सीने में, मेरे राम. जय जय श्री राम, जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय राम. कुठून आले तुम्ही महाराष्ट्रातून आणि का वाटलं तुम्हाला अयोध्येत आता यायला पाहिजे? आम्ही जळगावातून आलेले आहे. जळगाव जाकणी नगर कंजरवाडा जळगावमध्ये आम्ही राहतात. इकडे आम्ही राम मंदिरच्या प्राण प्रतिष्ठेच्या दर्शनाकरता आम्ही इथं आलेले आहे की आमची तिथं ज्या 22 तारखेची प्राण प्रतिष्ठा होणार आहे तिकडची आम्ही साक्षी व्हावं, आमच्या जीवनाच्या अंतरंगामध्ये असावं की हे जीवनामध्ये हे 22 तारीख एकच वेळा येणार आहे, याच्या पुढे 22 तारीख येणार नाही, कारण की प्राण प्रतिष्ठा एकच वेळा होणार आहे, पुन्हा पुन्हा याची प्राण प्रतिष्ठा होऊ शकत नाही. भजनी मंडळ आले दादा, मी भजनी मंडळ नंदुरबारतून आलेले दादा, जळगाव नंदुरबारतून. कॅमेरामॅन सचिन सहामसह गजानन माटे, TV9 मराठी, अयोध्या. दिन आपको इस पंक्ति को बनाने के लिए लगे समय? सादर जय श्री राम सभी सनातनियों के लिए, भाई साहब आपके लिए सादर जय श्री राम. इसमें जो है हमारे गुरु जी ने जो है एक वर्ष पूर्व से प्लानिंग किए थे, उसमें 108 लोगों की टीम बनाए, फिर इसके बाद सभी जो है हमारे सनातनी भाई जो है टीम में काम करने वाले समस्त भारत के संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों से, बल्कि यहाँ तक हमारी 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है पाकिस्तान में हिंगलाज शक्ति पीठ, वहाँ से भी जल और मिट्टी मंगाए, और नेपाल में पशुपतिनाथ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहां से जल और मिट्टी लाई गई. इसी प्रकार से संपूर्ण नदियों गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सोनभद्र नर्मदा, इसी प्रकार से संपूर्ण नदियों से गंगा सागर हिंद महासागर सागरों से जल मंगाया गया, और 1008 टन मिट्टी से इस भव्य दिया का निर्माण किया गया, और 40 क्विंटल गाय के घी से इसमें जो है वैदिक मंत्रों द्वारा आचार्यों द्वारा जो है पूजा पाठ किया गया, इसके बाद इस दीपक का निर्माण किया गया.